हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि मेरे पास एक नई हेडफोन आ चुकी है जिसका आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, और इस साथ ही साथ इसका हम करने वाले हैं त्याग। इसको आज हम श्रद्धांजलि देने वाले हैं। तो यार इसे लास्ट टाइम पहन लेते हैं, इसके बाद ये कहाँ जाएगी मुझे भी नहीं पता। तो मेरी नई हेडफोन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देख सकते हो, ये वाला है नया हेडफोन का जो डब्बा है जो कि काफ़ी बड़ा है। तो यार चलो वीडियो को शुरू करते हैं, साथ में आज ही अभी तुरंत ही आई है तो मैंने स्टार्ट ही कर दी वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के, इसको श्रद्धांजलि देने के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देख सकते हो ये है अपनी बॉक्स और काफ़ी शानदार सी लुक में आ रही है, और इसे देख सकते हो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इसे पॉज करके या पढ़ करके करोगे क्या। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे कट करने का हमें ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से हम कट कर लेंगे। ऐसा थोड़ी होता है किसी में ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं था जिसमें हम कट ना कर सके, तो उसमें यहाँ से सिंपली कट कर लेते हैं पहले। सर मैंने इसे कट कर लिया, आप देख सकते हो ये से ओपन कर लेते हैं। तो ये और देख सकते हो गाइस ये रहा डब्बा जो कि मुझे यहीं से दिख रहा है, ये देख सकते हो ब्लैक कलर की पूरी तरह से पैक्ड, निकाल लेते हैं बाहर से। और गाइस देख सकते हो काफ़ी शानदार सी बॉक्स गाइस बहुत बढ़िया, और डब्बे के अंदर कुछ नहीं, वैसे पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ इसमें नहीं है, मैं तो बढ़िया वाली बात है। और ये देख सकते हो हमारा बॉक्स काफ़ी बढ़िया वाला यार, कैसा लाइट है, देखिए काफ़ी लाइटिंग देख सकते हो इसकी चारों तरफ। और ये देख सकते हो गाइस इसकी बनावट काफ़ी बढ़िया और बड़ी बॉक्स है, और यहाँ पे आप स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हो वगैरह वगैरह, ड्राइव डायमीटर वगैरह करके, अब यहाँ पढ़ के कोई फ़ायदा तो है नहीं। अब देख सकते हो गाइस इसमें सब कुछ यहाँ पे दिया गया है इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह, तो हम इसे खोल लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे भी कट लगाना पड़ेगा हमें, एक यहाँ भी कट लगा लेते हैं एक। सो गाइस मैंने इसे कट कर लिया, और फिर से ओपन नहीं हो रही, मतलब फिर से कट लगाना पड़ेंगी हमें, पूरी तरह से पैक कर दिया गया है इसे, तो यार निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब जैसे तो मैंने इसे कट कर लिया पूरी तरह से, और ये है अपना ब्रांड न्यू हेडफोन। तो गाइस वैसे तो देखने में बहुत घटिया पैकिंग की गई, और यार निकालते हैं इसे बाहर और देखते हैं कैसे है अपने हेडफोन। तो जैसे तो ये काफ़ी सुंदर सी ब्लू कलर की, इसे ब्लैक एंड ब्लू कलर में काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है देखने में। और भाई साहब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक माइक की जो है ये भी दी गई है, आप इसे निकाल सकते हो अपने कानों में लगा सकते हो। यहाँ पे ये होती है मतलब एकदम कट कट की आवाज़ आएगी एकदम बढ़िया से। और देखते तो ये जो है गाइस इसका ईयरबड काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है यार, मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि यार ये ऊपर भी पे भी बहुत सॉफ्ट है यार, ये प्लास्टिक की है चारों तरफ से, और थोड़ी सी गंदगी इस पर लगी हुई है जैसे कि दिख रहा होगा आपको, थोड़ी सी गंदगी। और सीबी की यहाँ पे लोगो देख सकते हो काफ़ी शानदार सी लोगो, और कुछ दिखाऊं मैं आपको तो इसकी देख सकते हो यहाँ पे आप पूरा सॉफ्ट है चारों तरफ से यार, यहाँ पे देखो तो बाप रे बाप। और यहाँ पे देखते हो ब्लू कलर की लाइटिंग जो कि और सुंदर सी इसे बनाती है, तो इसे रखते हैं साइड में। देखो इसके इस पर बात करते इसके कुछ टॉपिक पर देख सकते हो, यहाँ पे आप अपने माइक ऑन ऑफ की आपको ऑप्शन मिलती है, और यहाँ पे आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, जैसे देख सकते हो अप डाउन आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो ऑन और ऑफ की माइक, मतलब अगर आपको अपने माइक को इनेबल करना है तो ऑन कर लो, या फिर नहीं करना तो ऑफ कर लो। यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे जो यहाँ पे आपको मैं कुछ और दिखाना चाहूँगा, जैक दिखाना चाहूँगा इसका 3.5 mm का जैक है जो कि काफ़ी शानदार सा। यहाँ पे चार रिंग्स दिए गए हैं, एक है पहला है इसमें माइक के लिए, दूसरा है राइट के लिए, फिर तीसरा जो है वो लेफ्ट के लिए, बाकी मुझे नहीं पता यार, मैं जो जैक के बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं उससे ज़्यादा आपको नहीं बता सकता। और बात कर ले गाइस इसके ऊपर, तो आप बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, और देखो तो यहाँ पे आप इसे निकालोगे तो ये देख सकते हो, ये देखो ये स्टील का है शायद से, बट बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये स्टील का, बट मेरे ख्याल से ये स्टील का नहीं है यार। देखो इस साइड से देखोगे तो प्लास्टिक का दिखेगा आपको, बट इधर से देखोगे तो स्टील का, हाँ तो थोड़ी सी स्टील है। बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं कि ये पूरी तरह से स्टील का, पूरी तरह से स्टील का नहीं है, थोड़ी सी प्लास्टिक भी यूज़ की गई है। तो यहाँ पे देखो गाइस ये दोनों साइड की है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो इसे, इस साइड में भी है, अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लो अपने हेड के हिसाब से, आपको अगर कंफर्टेबल हो रही है तो आप इसे कंफर्टेबल करो, या तो ऐसे कर लो कंफर्टेबल आपकी मर्जी। अब कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यार आज अपने फिस कैम पे फिट वेट के बारे में बात कर लें कि कैसी आवाज़ है इसकी, कैसी साउंड क्वालिटी है, कैसी माइक की साउंड क्वालिटी है, जान लेते हैं। तो गाइस कर लेते हैं इसकी रिव्यू, और आपको दिखा देते हैं इसके बारे में कुछ शानदार सी चीज़ें। जैसे गाइस आप इस हेडफोन को देखिए, तो अगर मैं इसे पहनता हूँ तो गाइस कैसी फिट होती है, कैसे इसकी साउंड क्वालिटी है, ये बात कर लेते हैं पहले। तो पहनने के बाद यार पहले बात तो ये यार पूरी तरफ से साउंड प्रूफ है, और ओवर द ईयर है, मतलब मेरे को आसपास की कुछ चीज़ें सुनाई नहीं दे रही है, थोड़ी बहुत सुनाई दे रही है थोड़ी बहुत, अब ऐसा थोड़ी है कि पूरा ही शांत हो जाएगा एप्पल का थोड़ी है। तो यार पूरी तरह से शांत हो चुका है चारों तरफ से माहौल, बट यार फिर भी काफ़ी सही आ रहा है लुक, इसमें काफ़ी सही लुक आ रहा है, और आप देख सकते हो जैसे कि ये चारों तरफ से फिट है यार। लाइट थोड़ी सी मैंने कम कर दी है रूम की, तो यार रूम की लाइट बढ़ा दे क्या।
तो रूम की लाइट बनाने के लिए आपको थोड़ा सा समय थोड़ा सा रुकना पड़ेगा यार। चलो देख लो, यही तो मेरी चार लोग साथ, ये जो ब्लू कलर की लाइट जल रही है वो काफ़ी शानदार से लग रही है, और साइड में भी ब्लू कलर की जो लाइट जल रही है वो भी काफ़ी शानदार लग रही है, और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक कलर की ये जो स्ट्रिप्स है वो काफ़ी सही लग रही है भाई साहब मेरे को तो। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लू 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 खतरनाक लग रही है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ जैक वैक के बारे में यार, सब कुछ इसकी इतनी भी तारीफ मत करो। वैसे इंडियन है, मैं बता दूँ कॉमिक्स बैटिक इंडियन ब्रांड, जो कि पुणे में इसका जो फैक्ट्री है पुणे में ही है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसका ओरिजिन जो है वो पुणे में है, पुणे में ये बना हुआ है, तो यार ये इंडियन ब्रांड है पूरी तरह से। तो अब बात करते हैं इसके माइक क्वालिटी के बारे में, तो माइक क्वालिटी इसकी कैसी है वो भी देखा जाएगा गाइस। तो माइक क्वालिटी टेस्ट करने के लिए पहले हमें इसे अपने कान पर लगाना पड़ेगा, और साथ ही मुझे गाइस वायर के बारे में अभी तक नहीं बताया आपको, तो वायर देख सकते हो गाइस काफ़ी मोटी है यार, ऐसे तो चूहा भी ना कुतर सके, उसके भी दांत टूट जाए यार, काफ़ी मोटी वायर है। बट आप देखते हैं अपनी साउंड क्वालिटी कैसी आती है। सो यार माइक नीचे कर लेते हैं पहले, तो माइक भी एडजस्टेबल है तो काफ़ी सही होता है यार। तो चलिए अब देख लेते हैं अपनी साउंड क्वालिटी कैसी आती है इसके जरिए, चलिए शुरू करते हैं यार। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, आप भी एक्साइटेड हो रहे हो ना। अब देखो यार माइक क्वालिटी कैसी है मुझे ये बात तो नहीं पता, बट यार देखो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें कोई नॉइस कैंसलेशन वाली कुछ मतलब भाभा भाभा फू 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 करके आवाज़ मैंने निकाल रहा हूँ, जो इसमें कम से कम नॉइस कैंसलेशन हो रहा होगा मेरे ख्याल से, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि कैसी आवाज़ आ रही है मेरी इसमें से, बट यार जैसी भी आ रही होगी सही आ रही होगी इतना तो मुझे पता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे थे यूट्यूब पर, तो सारे वीडियो में मेरे को पता चल गया कि ये काफ़ी सही आवाज़ देती है और बहुत बढ़िया इसका माइक चलता है। अब देखो यार नॉइस इसके जो माइक है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, ये बात आपको पता लग गया, मैंने भी वीडियो देखी अपनी, आउट ऑफ माइंड यार, सही है 750 के अंदर। देखो यार मैंने इसे 750 के अंदर नहीं लिया, मैंने इसे बहुत सस्ते में परचेस किया, बहुत सस्ते में यार, अगर आपको चाहिए ना भाई तो मैं बता रहा हूँ गारंटी से यार आप दंग रह जाओगे सुन के। यार मैंने इसे 560 रुपये में परचेस किया, इसकी प्राइस वैसे अगर आप देखोगे यूट्यूब पर जाके तो बहुत सारे यूट्यूबर इसको 1100-1200 में बताते हैं, बट यार मैंने इसे 550 रुपये में परचेस कर लिया। यार देखो अपना दिमाग ही अलग है ना भाई, अपना दिमाग जहाँ पे किसी का दिमाग नहीं पहुँचता वहाँ पे अपना दिमाग पहुँच जाता है यार, या तो आपको पता ही होगा। तो यार बढ़िया वीडियो है। अब आगे बात कर लेते हैं इसके वायर के बारे में, मैंने तो कुछ बताया नहीं, इसकी फैसिलिटी तो नहीं बताई, बस मैंने इसकी बेसिक जानकारी आपको दी थी कि भाई इसमें ऐसा कुछ होता है। बट यार अब बात कर लेते हैं इसकी नॉलेज के बारे में, इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में, जितनी सारी इसकी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको सारी की सारी बता दे रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को अभी थोड़ी देर में खत्म कर। तो यार मुझे बात पता चल गई कि यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के नाम पे इसमें कचरा दिया गया है, तो यार मैंने आपको स्पेसिफिकेशन से ज़्यादा ही बता दिया, क्योंकि यार मैंने इसके डब्बे में देखा तो यार स्पेसिफिकेशन के नाम पे कचरा दिया गया था, तो यार फिर भी यार मैंने आपको जितना बता दिया वो सब एकदम फर्स्ट क्लास था। और ये हेडफोन काफ़ी सही है आपको लो बजट के लिए, और आप गेमिंग हेडफोन देख रहे हो, आई डोंट थिंक इससे बढ़िया आपको कहीं मिलने वाली है, और आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। मान लो ये मेरे को एडजस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैं इसे इस तरीके से अब भी कर सकता हूँ, एंड इसे अब करने के बाद मैं वापस से इसे लगा सकता हूँ। अब ये मेरे को ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो मुझे वापस से इसे ऐसे अंदर करना पड़ेगा। आप इसे एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे आपको लगे यार लेकिन बहुत ज़ोर से चोट लगती है इसमें यार, मुझे नहीं पता बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ करती, बट ये एकदम से करेक्ट है, आपको लेनी चाहिए, बिल्कुल फ्री में भी ये काम नहीं करिए, बिल्कुल सस्ते में यार, इतनी सस्ते में यार कि आप कोई भी इंसान से अफोर्ड कर सकता है सिंपल से। तो यार तब तक ये वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो लाइक कर देना, साथ ही मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद क्या होता है यार मुझे नहीं पता यार, नोटिफिकेशन आया यार, आई एम लेजेंड, तो बेल आइकन को दबाना, तक लेटेस्ट वीडियो के पास पहुंचती रहे, जैसा कि लोग कहते हैं। तो क्या अपने को भी कभी अपने भी 10 खरब सब्सक्राइबर होंगे यार, अपने भी आपने भी बनेंगे दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर, 10 खरब नाम कितने लोग हैं। तो यार जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को, जय महाकाल के नाम, अगली वीडियो मिलेंगे। अब अनबॉक्सिंग की तो दुनिया खत्म करनी पड़ेगी यार, पैसे नहीं बचे यार अपने पास में, तो नो प्रॉब्लम यार, फिर से नहीं पैसे की पेड़ लगाएंगे और नहीं इस तो बात करेंगे, तब तक टिकट बाय बाय, चलिए शुरू करते हैं।